यूपी में इन दिनों नदियां पूरे उफान पर हैं। पूर्वांचल के सभी जिले गंगा में बाढ़ की जद में आ चुके हैं। मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी जिला जहां चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है, तो वहीं गाजीपुर और बलिया जिले में गंगा खतरे के बिंदु से ऊपर तबाही मचा रही है। बागी बलिया में इस बार गंगा की लहरों ने मानो बगावत कर रखी है। चारों ओर हर हर करती गंगा की लहरों से क्या गांव, क्या कस्बा और क्या खेत और खलिहान कोई भी नहीं बच सका। बाढ़ से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे बाढ़ पीड़ित अब अपना आशियाना बदलने को मजबूर हो गए। वहीं जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम योगी बलिया जिले में बाढ़ की तबाही का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया और 200 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। साथ ही सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को किसी भी हानि पर 12 घंटे में आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ के बाद गंगा का रुख बदलने की कार्य योजना तैयार कर कटान का स्थायी समाधान करने की बात की। मैं बलिया में आज इसी बात को लेकर के आया हूँ। मुझे कल शाम को इस बात की जानकारी मिली कि गंगा जी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और एक आध जगह गंगा जी में जलस्तर बढ़ने के कारण कटान की संभावना बढ़ गई है। दुर्भाग्य से कटान हुआ भी है। हमारे विधायक जी ने उस कार्य को अभी हाल ही में संपन्न भी कराया था, बाढ़ बचाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यमुना जी में बेतवा और चंबल के पानी काफ़ी भारी मात्रा में छोड़ने और आने के कारण ये बाढ़ की स्थिति से ये बलिया प्रभावित हुआ है। यहाँ के कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। उन पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने, राहत कार्य को तेज करने और प्रभावित परिवारों के प्रति अपना पूरा सहयोग और समर्थन देने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। उधर गाजीपुर में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया। गंगा नदी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। कई प्रभावित क्षेत्रों में पानी से संपर्क मार्ग से आवागमन बंद हो गया। वहीं करंडा क्षेत्र के मानिकपुर स्थित गंगा नदी पर बिना अप्रोच मार्ग धंसने से आवागमन बाधित हो गया। उधर स्थिति को देखते हुए रेवतीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया। यहाँ ये रेवतीपुर थाने के अंतर्गत लगभग 7-8 ऐसे गाँव है जहाँ खेती करने के लिए किसान थोड़ा आगे जाके वहाँ रहते हैं और एनडीआरएफ टीम के लोग भी लगा दिया गया है। यहाँ पानी गिरने के कारण अभी नाव को भी हम लोग लगाए हैं, लोगों को ऊंची स्थान पर हम लोग पहुँचवा रहे हैं। बाकी राहत का कार्य है हम लोग कर रहे हैं। यहाँ सड़क नीचे होने का लोगों ने शिकायत किए हैं तो उसको भी हम लोग ऊंचा कराने का भी कार्रवाई करेंगे, जैसे अभी हमें समय मिलता है ज़रूर कराएंगे इसको। चंदौली में उफना हुई गंगा नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी दस्तक देने लगा है। जिले के धानापुर, चहनिया और नियमताबाद ब्लॉक के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिसके तहत फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई। साथ ही आम लोगों को भी परेशानी बढ़ने लगी। लगातार तेजी से बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण लोगों को 2013 और 16 में आए बाढ़ की विभीषिका का डर सताने लगा है, जिसको देखते ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। अभी तो पानी अभी खाले जो लो लैंड है वहाँ पे पानी जो है धीरे धीरे गंगा जी का बढ़ रहा है। अभी करीब जो चरी उरी है किसानों की, फिर चारा वारा वही भी थोड़ा थोड़ा पानी आया है। अभी उस तरह कोई ऐसी बात किस तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या अलर्ट पर? अभी तो हम लोग जो चार 6 बाढ़ चौकियाँ हमारे यहाँ सभी 6 बाढ़ चौकियों के उन्होंने एक्टिवेट कर दी है। सभी लेखपाल और प्रशासन के पुलिस के लोग भी ड्यूटी लगा दी गई है। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में नहरों पर बने पुलों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे नहरों से होकर आने जाने वाले कई गांवों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में सरयू नहर खंड की नहर पर बना पुल बरगदी के बीच टूट गया है, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। देखिए, आपने मतलब मेरे संज्ञान में ये चीज़ अभी तक नहीं आई थी, और अगर ऐसा है कि जिसकी वजह से ये है और लापरवाही इसमें परिलक्षित है तो ये अभी मेरे संज्ञान में आई भी है। मैं इसको खुद ही पर्सनली चेक भी करवा लेता हूँ और कल तक अगर इसमें ऐसा लगता है कि किसी ने लापरवाही की है तो उसको तत्काल फिर कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी ग्रामीणों को उनको सहूलियतें प्रोवाइड करनी है ब्रिज को लेकर तो उसमें भी अग्रिम त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर में भी करीब 40 गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। जहां देखे वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों के बने हुए कच्चे मकान पानी से धराशी हो गए, जिसके कारण मजबूर होकर ग्रामीण रोड के किनारे रहने को मजबूर है। वहीं मुख्यालय के संकरी पीपल गांव पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे और रोड के किनारे अपना निवास बनाए हुए बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। देखिए, वर्तमान में जो यमुना नदी है, इसका जल स्तर थोड़ा राइजिंग ट्रेंड पे है, जो कि जो एस्टीमेट्स हैं, क्योंकि ये पानी ऊपर के बैराजों के माध्यम से यहाँ पे पहुँचता है और कालपी और ये जिस रूप से होते हुए आता है, जो एस्टीमेट्स हैं आज देर शाम ऑब्लिक आज रात तक ये जल स्तर बढ़ने का ट्रेंड रुक जाएगा और फिर कल के बाद से ये पानी की रिसीडिंग भी चालू हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जिन जगहों पर पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है या जिन घरों तक पानी आने की संभावना है राइजिंग ट्रेंड को देखते हुए, इनका इवैक्यूएशन वर्क पहले से सुनिश्चित किया जा चुका है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सरकारी स्कूलों में इंतजाम किए हैं और ग्रामीणों को राहत सामग्री प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।